अब बच्चे कल हमने ना एक चीज देखी थी, रिएक्टिविटी ऑफ मैटर। अगर आपको याद होगा मैंने आपको कल रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मैटर भी करवाया था। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मैटर, अच्छा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मैटर के बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं कि आपका विच मेटल इज मोर रिएक्टिव, आयरन और जिंक। आयरन ज्यादा रिएक्टिव थी है या आपकी जिंक है? तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चे, जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि जिंक आपकी ऊपर रिएक्टिव में थी एंड कुछ छोड़ के फिर आपका आयरन आता था। तो मतलब जो टॉप टॉप में मैंने आपको क्या बताया था, टॉप से बॉटम में था रिएक्टिविटी, टॉप में सबसे ज्यादा होती है, आहिस्ता 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 सबसे डिक्रीज होती है बॉटम में जाके। तो वहां पे क्या था, आपका जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू आयरन। ठीक है, अब हमने कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स बताने हैं जो हम एवरी डे लाइफ में यूज करते हैं जो कि मेटल्स हों। ठीक है, वो कौन कौन सी होंगी? एक तो हम यूज करते हैं अपना यूटेंसिल्स, ठीक है, फिर उसके बाद मेटल्स में आपकी बॉटल्स, ये भी मेटल्स हैं आपकी। फिर उसके बाद आपका नेल कटर आ गया, वो भी क्या है आपकी मेटल है। ठीक है, और बताइए जैसे आपकी वायर्स होगी, ये सब क्या है आपकी मेटल की एग्जाम्पल। ठीक है, ये सब क्या है आपकी मेटल की एग्जाम्पल। अब देखिए बच्चे, हमने एक ऐसी मेटल बतानी है जो क्या है, किसमें यूज होती है बताइए, आपके थर्मोमीटर में। हमने पढ़ा था कि जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड। ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा था हमने कि मेटल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल केस बताया था मैंने आपको कि इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, और इसकी एक्सेप्शन में एक था आपका मर्क्यूरी। क्या, कि जो मर्क्यूरी होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, सॉफ्ट होता है। हाँ, मर्क्यूरी भी क्या है, मेटल है, बट वो एक्सेप्शन में आता है, तो वो आपका जो मर्क्यूरी है वो एक मेटल है एंड इट इज सॉफ्ट इन नेचर, है ना, वो सॉफ्ट होता है। आपने देखा होगा थर्मोमीटर्स में आपका, जिससे आपका टेम्परेचर फाइंड आउट होता है, जिससे आप टेम्परेचर मेजर करते हो, वो क्या है आपका मर्क्यूरी। मर्क्यूरी, ठीक है, ये है आपका मर्क्यूरी जो कि आपका थर्मोमीटर में यूज होता है। और बच्चे हमने क्या देखा था, हमने अपने केमिकल प्रॉपर्टीज में, और क्या पढ़ा था, केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव थी वो थी आपकी सोडियम एंड पोटेशियम। एंड सोडियम एंड पोटेशियम में को हमने क्या पढ़ा था कि हम इनको वाटर में जैसे डालते हैं तो ये क्या कर देते हैं, फायर को कैच कर लेते हैं। फायर को कैच ही कैसे करते थे, हमने देखा था एक बीकर लिया हमने, ठीक है, लेबोरेटरी में तो हम इनको इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। हमने क्या लिया, एक बीकर लिया, उसमें वाटर लिया, ठीक है, और हमने क्या किया, कुछ पोटेशियम क्या किया हमने बीकर में डाल दिया। जैसे आपने पोटेशियम को बीकर में डाला, इसकी क्या होने लगी, रिएक्शन होने लगी, जिसकी वजह से आपका क्या हुआ, एक तो हीट इवॉल्व होने लगी, है ना, रिएक्शन की वजह से एक तो हीट इवॉल्व होने लगी, और ऊपर से आपका क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, गैस इज लाइटर है, तो हाइड्रोजन गैस जैसे प्रोड्यूस हुई तो हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या है, इसके सरफेस पे ऊपर आ जाती है। जैसे वो ऊपर आएगी तो वो इन कॉन्टेक्ट विद एयर आएगी, है ना, उसका एयर के साथ कॉन्टैक्ट होगा एंड एयर में आपको पता क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जैसे वो क्या करेगी, हाइड्रोजन गैस नीचे से हीट को एब्जॉर्ब करेगी और ऊपर से उसको ऑक्सीजन मिलेगा, दोनों का रिएक्शन होने की वजह से क्या हो जाता है, फायर लग जाती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम को एयर के कॉन्टैक्ट में नहीं आने देते एंड हम उसको अपनी कैरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। किसमें, कैरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। ऐसे तो हमें पता है कि हम वाटर को यूज़ करते हैं आग बुझाने के लिए, बट इस केस में हम क्या करते हैं, उसको
कैरोसिन में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। और आपको पता है, हाँ, आयरन का भी आपको पता है कि जैसे आपका आयन है वो क्या होता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, या फिर आप यही एयर, जिस एयर में आपका क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, आपका मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, उसकी वजह से क्या हो जाता है, आपकी रस्टिंग हो जाती है, ठीक है, रस्टिंग हो जाती है, जो ब्राउनिश कलर की रस्ट लग जाती है ना आयरन पे, तो इसीलिए क्या इनको ओपनली हम नहीं छोड़ते हैं। और हमने कॉपर का भी देखा था कि कॉपर के बर्तन को अगर आप ओपनली छोड़ोगे तो वो इन कॉन्टेक्ट विद एयर आएंगे, जिसमें आपका क्या यही मॉइस्चर होगा, आपका ऑक्सीजन होगा, है ना, ये वाटर जो है मॉइस्चर में, ये ह्यूमिड एयर की वजह से इसमें क्या हो जाता है, आपका ग्रीनिश कोटिंग क्रिएट हो जाती है, बन जाती है उस पर ग्रीनिश कोटिंग, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाता है कि आपको कॉपर के उन्हीं बर्तन में खाना या पानी पीना चाहिए जिसमें, जिसको आप प्रॉपरली क्या कर सको, क्लीन अप कर सको, ठीक है। ये पढ़ा था हमने। और हमने क्या देखा था कि ये था, बच्चों एक और चीज आपको बतानी है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी लाई करती है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में, है ना, मतलब कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, कुछ नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी, जो उन दोनों के बीच में लाई करते हैं उनको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आप मेटलॉइड, क्या बोलते हो, मेटलॉइड, मेटलॉइड्स, ठीक है। मेटलॉइड्स वो एलिमेंट होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी लाई करती है इमीडिएट इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल है इसकी आपकी बोरॉन, बोरॉन, योर सिलिकन, योर जर्मेनियम, दे आर ऑल मेटलॉइड। एंड जो आपके मेटलॉइड्स हैं उनमें क्या होता है, आपका हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो जाती है, ठीक है, बट नॉट एज इजीली इन मेटल। हीट और इलेक्ट्रिसिटी तो इनमें से पास हो जाती है, बट जितनी मेटल से पास होती है उस कंपैरिजन में मेटलॉइड्स में कम होती है, ठीक है। अब मेटलॉइड्स को एक और नाम दिया गया है, मेटलॉइड्स को हम सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, है ना। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, जिनकी कंडक्टिविटी लाई करती है बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इसी तरह मेटलॉइड्स भी काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर हैं जिनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो लाई करती हैं बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। अब अच्छा नेक्स्ट देखते हैं हम, बच्चे ये भी हमें पता है कि जब हम मेटल्स को रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ तो उसमें कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, उसमें आपकी प्रोड्यूस होती है आपकी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और आपकी जो ज्वेलरी बनाने के काम आती है मेटल्स, वो हैं आपकी गोल्ड एंड सिल्वर, राइट। एंड जो इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में काम आती हैं वो कौन सी मेटल्स हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स के लिए वो है आपकी कौन सी, कॉपर एंड अल्यूमिनियम, ये दो मेटल्स हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका कि जब आप वो पैकेजिंग करते हो ना मेडिसिन एंड उसकी, उसके लिए भी आप क्या यूज़ करते हो पैकेजिंग के लिए, फूड के लिए, अल्यूमिनियम फॉइल्स, ठीक है, वो भी मेटल्स की है, जो कि किससे बनती है, डक्टिलिटी से, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी से। अच्छा अब बच्चे जो आपका नेक्स्ट है वो क्या है आपका, वो कौन सा नॉन मेटल है जो आपकी हेल्थ के लिए इसेंशियल है, मतलब जब आप इनहेल करते हो, ब्रीदिंग करते हो, तो उस टाइम कौन सी मेटल जो है, नॉन मेटल जो है वो इसेंशियल है ब्रीदिंग के लिए, जब वो क्या है आपकी ऑक्सीजन, क्या है, नॉन मेटल है, किसमें काम आती है, ब्रीदिंग के,
इसलिए। अब वो कौन सी नॉन मेटल है जिसको हम यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, ये भी मैंने आपको बताया था, वो कौन सी थी आपकी, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस विच इज यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए हमने, हमारे पास जो नॉन मेटल है वो कौन सी है आपकी, कौन सी है, फॉस्फोरस। और आपको पता है बच्चे कि वो कौन सी नॉन मेटल है जिसको हम यूज करते हैं प्यूरिफिकेशन करने के लिए, वाटर को, ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफिकेशन करने के लिए हम वो कौन सी नॉन मेटल का यूज़ करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, वो थी आपकी क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन मेटल को, नॉन मेटल को हम यूज़ करते हैं किसके लिए, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, क्लोरीन को यूज़ करते हैं, विच इज नॉन मेटल। ठीक है, एंड फायर क्रैकर्स में हम कौन सी मेटल यूज़ करते हैं, फायर क्रैकर्स में मैंने आपको कल ही बताया था कौन सी मेटल यूज़ करते हैं हम फायर क्रैकर्स में, हम यूज़ करते हैं सल्फर एंड सोडियम। एंड सोडियम का मैंने आपको बताया कि वो कैसे आग पकड़ लेते हैं, सल्फर एंड सोडियम। ठीक है, एंड जो वो कौन सी आपकी नॉन मेटल्स हैं जो हम जिसको हम यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल, ये भी कल सारी हो चुकी हैं यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, वो कौन सी हैं आपकी, कार्बन। ठीक है, कार्बन को हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल हम किसको यूज करते हैं, कार्बन, नॉन मेटल को। ठीक है, अब बच्चे आपको पता है कि जो आयरन है वो क्या होता है, वो ज्यादा रिएक्टिव होता है आपका कॉपर से, आयरन क्या है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये हमने पढ़ा था कि जब आयरन को हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो क्या करता है, वो बन जाता है फेरस सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट बन जाता है ना, एंड कॉपर को वो डिस्प्लेस कर देता है, क्यों करता है, क्योंकि जो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने देखा था कि जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होती है, वो क्या करती है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करके खुद उसकी प्लेस पे जगह ले लेती है ना, खुद उसकी प्लेस पे जगह लेके तो वो उस सॉल्यूशन के साथ सॉल्ट बना लेती है। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन थी बच्चे, ये थी आपकी कौन सी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या था इसमें, कि जो आपकी मोस्ट रिएक्टिव मेटल होती है वो क्या करती है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल को अपनी स्पेस से रिमूव करवा के तो वो क्या कर देती है, वहाँ पे आके उस सॉल्यूशन के साथ एक अपना ही सॉल्ट जो है वो क्रिएट कर देती है, मतलब डिस्प्लेस कर देना, उसको आप कहते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बच्चे हमने बताना है कि एल्यूमिनियम जो एक मेटल है उसकी कोई दो फिजिकल प्रॉपर्टी बतानी है। ठीक है, दो फिजिकल प्रॉपर्टी बतानी है आपने किसकी, एल्यूमिनियम की, कि वो मेटल है। कौन कौन सी दो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी एल्यूमिनियम की जिससे वो शो करेगा कि वो एक मेटल है, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपकी मैलेबिलिटी है ना, कि उससे क्या होता है आपके मैलेबिलिटी, वही जो मैंने आपको बताया था कि ड्रॉन करके किसी भी शेप में ड्रॉ कर सकते हो आप उनको हैमरिंग से। सेकंड इज डक्टिलिटी एंड जो लास्ट है वो क्या है आपका, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है ना, कि उसमें से आपकी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो जाती है, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर, आई होप आपको यहाँ तक सारा क्लियर होगा। कल हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे, किसी कोई डाउट होगा तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।